नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामजीत सिंह और आप देख रहे हैं इस समय IBS न्यूज़। दोस्तों, आज मैं उस दिल्ली की बात करता हूं जिसके अंदर लगभग 3 महीने से कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है और वो है CAA का। और ये अब तक कई बार हिंसा हुई है, शुरुआत हिंसा से हुई थी और फिर वापस हिंसा शुरू हो गई है। बीच में शांतिपूर्वक लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन ये अचानक से इसका हिंसा में तब्दील हो जाना क्या कहता है, क्या संदेश दुनिया को देना चाहते हैं ये लोग, क्यों हुआ, आज मैं आपको इसका विस्तार से आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे और ये विपक्ष को मालूम था कि हम अगर इस मुद्दे को पूरे इंटरनेशनल बना दें तो शायद ये सरकार झुक जाए और इसको वापस ले ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं, उसमें बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं और उन्होंने क्या किया, उनके षड्यंत्र को, षड्यंत्र कहा या उनकी योजना को उनके ऊपर ही नहले पे धैला करके उसको ख़त्म कर दिया है। अब हुआ क्या है कि ट्रंप के सामने इन लोगों की जो CAA का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि ये तो जो मुस्लिम संगठन है उनका है, विपक्षी दलों का, ये तो चाहते ही नहीं थे कि ट्रंप की यात्रा हो, ये षड्यंत्र सिर्फ ट्रंप के कारण, ये जो हिंसा हो रही उसके कारण ये लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो परवान चढ़ती जा रही है, ये मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम देशों के लिए भविष्य में ये खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अपने शब्दों में इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करने का वादा भी कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इतने दिनों तक, लगभग 60, 65 या 70 दिन हो गए, तब तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पर नहीं गया था कि हम समर्थन में उनके सामने खड़े हो जाएं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में जो कपिल मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो भी इसके समर्थन में उन लोगों को लेकर के गए और वहां पर उनके सामने प्रदर्शन करने लगे CAA के समर्थन में, और दोनों गुटों में झड़पें हुई, उसमें 5-7 लोग दिल्ली में उनकी डेथ हुई, कैजुअल्टी हुई है, इसमें एक पुलिसकर्मी शामिल है और कुछ प्रोटेक्टर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे CAA का, उनकी भी डेथ हुई है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इसको हमने कैसे भुनाना है, वो भी राजनीति कर रही है, विपक्ष तो कर ही रहा है राजनीति इतने दिनों से। तो जो अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या राजनेता भारतीय जनता को इन्होंने अपने राजनीतिक इस्तेमाल का एक हथियार बना लिया है? भारतीय जनता क्या इतनी ना समझ है कि इनका हथियार बनती जा रही है और अपनी कुर्बानी देती जा रही है इनके फायदे के लिए? दोषी दोनों हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है जो भी कैजुअल्टी हुई है, क्योंकि जो 40-45 दिन से चल रहा था उसको हिंसा में तब्दील होना अचानक, ये हार है भारतीय जनता की जिन्होंने इस नेताओं को वोट दे करके सत्ता सौंपी है, चाहे वो केजरीवाल दिल्ली के शासक हों या डूबती नैया कांग्रेस की हो, वो भी यही कह रही है कि किसी तरह से हम इस नदी के जो नीचे तल में बैठ गए उस तह तक ऊपर तक आ जाए। तो मेरा प्रार्थना उन लोगों से है जो कि ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, और उनसे अनुरोध है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इन नेताओं का चारा न बने और भाईचारा बनाए रखें। नमस्कार।